तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर मेड किचन, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कॉस्ट के हिसाब से भी, टाइम के हिसाब से भी, मटेरियल के हिसाब से भी, देखने में कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है इसके हिसाब से भी, और भी बहुत कुछ। तो सारे चीज को कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा ताकि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप अपने घर के लिए एक सही डिसीजन ले सको कि आपको अपने घर में कौन सा करवाना है। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलर किचन और कारपेंटर मेड किचन के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मॉड्यूलर किचन की हम लोग बात करें तो ये एक न्यू ट्रेंड है, न्यू मेथड है, जिससे हम अपने किचन को डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग सजाते हैं अपने किचन को। इसमें क्या होता है ना कि आपके किचन में जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, जितने भी कवर्ड लगे हुए हैं, जो भी चीज लगा हुआ है आपका, ये सारा चीज आपके फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर होता है, वहीं पे कट के पूरा रिसाइज होके पूरा एकदम पूरा वो सेट उठ के आपके किचन में आपके घर में आता है और वहां पे जस्ट असेंबल होता है। समझ में आ गया? तो इसका जो कटिंग, जो भी पार्ट है, कटिंग हो गया, मेजरमेंट हो गया, कुछ भी करना हो गया, वो सारा पार्ट फैक्ट्री में होगा और आपके घर में आके जस्ट ये असेंबल होता है, इसलिए इसको मॉड्यूलर किचन कहा जाता है। लेकिन वही बात करें अगर हम लोग कारपेंटर मेड किचन को लेके, तो ये एक ओल्ड मेथड हो गया, जिसमें हम लोग पहले क्या करते थे, कारपेंटर को घर में बुलाते थे, वो यहाँ पे देखता वेखता था और वहीं पे वो सारा चीज काट के फिक्स विक्स करके सारा चीज करता था। तो यहाँ पे आपको कोई फैक्ट्री में आपका कुछ नहीं बन रहा है, आपका जो बनना है, जो भी मैन्युफैक्चर होना है, वो सारा आपका घर में उस किचन में ही हो रहा है और साथ में फिक्सिंग जो हो रही है वो भी आपके किचन में ही हो रही है। तो पूरा काम आपके घर पे ही होने वाला है, लेकिन मॉड्यूलर में आधा से ज्यादा काम जितने भी होते हैं कटिंग फटिंग वाले, वो सारे फैक्ट्री में हो जाते हैं, जस्ट ताकि असेंबल आपके घर में किचन में हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। अब बात करते हैं क्वालिटी एंड डिजाइन की। तो जैसा कि मॉड्यूलर किचन जो है हमारा है वो मशीन से बनता है, मशीन से कटिंग होता है, मशीन से पूरा असेंबल होता है, फिक्सिंग विक्सिंग सारा हो गया और घर पे आके असेंबल हो गया, तो इसमें आपका जो क्वालिटी है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि ये मशीन से कटा है, एकदम प्रिसाइजली कटा है, एकदम बारीकी से बनाया गया है, इसका जो मेजरमेंट रखा गया है वो पूरा मशीन से रखा गया है, तो पूरा फिक्स मिलता है यहाँ पे। तो क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सुपीरियर क्वालिटी मिलता है विथ परफेक्ट फिनिशेस। यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग मिलेगा ना वो जबरदस्त मिलेगा, देखने में एकदम दिल बाग बाग हो जाएगा, बहुत अच्छा फिनिशिंग आपको मिलने वाला है क्योंकि मशीन मेड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डायमेंशन आपको एक एक मिलीमीटर का आपको हिसाब मिलेगा क्योंकि मशीन मेड है। वहीं पे अगर हम लोग कारपेंटर मेड की बात करें तो यहाँ पे आपको हाईली स्किल की जरूरत पड़ती है, अगर स्किल अच्छा नहीं होगा तो काम जो होने वाला है वो अच्छा नहीं होगा, भले स्किल कितना भी हाई क्यों ना हो, है तो वो मैनमेड ही, मशीन की बराबरी थोड़ी कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वालिटी मिलेगा ना वो उतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो आपको फिनिशिंग मिलेगा वो कंपैरेटिवली कम मिलेगा, देखने में भी कंपैरेटिवली कम होगा। तो क्वालिटी एंड डिजाइन वाइज अगर आपको मैं बोलूं तो मॉड्यूलर किचन ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, क्वालिटी की बात अगर आती है आपके मटेरियल की तो वो तो आपको चेक कर लेना होगा, वो आप चाहे घर पे करवाओ या आप अपने मॉड्यूलर वाले किचन जो फैक्ट्री में असेंबल हो रहे हैं वो करवाओ, मटेरियल तो आपको देख लेना है, लेकिन जो क्वालिटी बन के निकल के आती है उभर के, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो ज्यादा अच्छा होता है हमारे मॉड्यूलर किचन में। और डिजाइन की बात करें तो जो मॉड्यूलर है मतलब वो न्यू मेथड है, मतलब आपको अच्छा खासा वहां पे डिजाइन मिलने वाला है, लेकिन कारपेंटर मेड किचन जो होते हैं उसमें आपको वो सब वैरायटी, वो सब डिजाइन देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं ड्राइंग्स एंड विजुलाइजेशन के बारे में। तो अगर आप मॉड्यूलर किचन करवाते हो ना तो उसमें क्या होता है कि आपके पास 2D और 3D का ड्राइंग आता है, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर करके देंगे, जो इंटीरियर वाले करके देंगे, वो आपको ड्राइंग देंगे। इसमें क्या होता है ना, क्या फायदा है कि आपका किचन अभी से बन जाने के बाद कैसा दिखने वाला है वो आप अभी देख पाओगे और वो पूरी तरीके से 95% वैसा ही दिखेगा जैसा आपको उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो ये एक अच्छा चीज है कि आपको जो चाहिए वो आपको पहले ही पता चल जाएगा, आपको जो मिलेगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। समझ में आया? लेकिन वही बात करें अगर हम लोग कारपेंटर मेड किचन में, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे 2D 3D जो ड्राइंग बना के देते हैं कारपेंटर जो हम लोग के घर में आते हैं, वो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो कारपेंटर होते हैं उनका स्किल उतना ज्यादा हाईली नहीं है, वो बना सकते हैं चीजों को, लेकिन वो 2D 3D वो ड्राइंग सॉफ्टवेयर बना के देना, वो सब तो उन लोग के पास स्किल नहीं होती है, तो वो चीज आपको वो नहीं दे पाएगा। अगर आपका विजुलाइजेशन क्लियर नहीं है तो वो कितना भी आपको क्यों ना समझा दे, आप क्लियर नहीं हो पाओगे कि आपको अल्टीमेटली मिलने वाला क्या है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में आपको पूरा ड्राइंग के साथ साथ इंटीरियर वाले सारा एकदम दिखा देते हैं और एकदम देख के आप समझ पाओगे कि हाँ मेरा किचन ऐसा बनने वाला है। तो ये फायदा होता है आपका मॉड्यूलर किचन वाले में।
अब बात करते हैं असेंबली और डिसेंबली के बारे में। इसमें क्या है कि जो मॉड्यूलर किचन होती है ना, वो तो आप जानते हो कि फैक्ट्री में बन के आपके घर पे आके जस्ट फिक्स हो गया है। इसका मतलब क्या है, ये खुल भी सकता है। अगर आप घर चेंज करते हो तो आप चाहते हो कि यहां से इसको निकाल के वहां पर जाकर हम लोग शिफ्ट कर देंगे। हाँ, आपको साइज का वेरिएशन देखना पड़ेगा, लेकिन ये खुल के दूसरी जगह जाके लग सकता है, आप इसको वापस से यूज कर सकते हो। मतलब ये असेंबल्ड हुआ आपके पास किचन में, ये फिर से डिसेंबल हो सकता है, मतलब ये खुल के पूरी तरीके से पार्ट पुर्जा निकल जाएगा और दूसरी जगह जाकर फिर से सेट हो जाएगा। लेकिन कारपेंटर मेड किचन जो होता है, ये आपका जहरिया जहां पे फंस गया वहां पे फंस गया। अब ये कहीं पे और ले जाके आप सोचोगे कि यहां से डिसेंबल करके हम कहीं पे जाके काम में लगा दें, तो ये नहीं होने वाला बहुत हद तक। तो इस वजह से भी आपका फायदा होता है मॉड्यूलर वाले किचन में। अब बात करते हैं एडिशन एंड ऑल्टरेशन के बारे में। मॉड्यूलर किचन क्या है ना कि आपको पहले ही पूरा चीज फाइनलाइज कर लेना होगा, क्योंकि जो आप फाइनल कर दोगे वही सिस्टम में पूरा चीज कटेगा डायमेंशन वाइज फैक्ट्री में। और फिर वहां पे अगर कट गया एक बार, तो आपके पास वही चीज, वही आपका फिक्स एक मौका रह जाता है, वही एक ऑप्शन रह जाता है जो आपके किचन में बनने वाला है। मतलब जो कट गया वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, वही आपको लगाना पड़ेगा अपने किचन में। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में एक फायदा आपको क्या मिलता है कि कारपेंटर आपके घर पे बैठ के बना रहा है, एक बार में तो वो पूरा सिस्टम नहीं काट देगा, पार्ट वाइज बनाएगा ना। तो इसमें क्या है कि आपको हाँ थोड़ा बना लिया, उसके बाद आपको पसंद है कि नहीं ऐसे नहीं करना है और ऐसे कर सकते हैं, तो ये एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है कारपेंटर मेड किचन में। फिर करते करते आप देखें कि मेरे पास बजट नहीं है अभी, चलो अभी थोड़ा देर रोक देते हैं, इतना ही फिलहाल अभी रहेगा। लेकिन मॉड्यूलर किचन में ये ऑप्शन नहीं है, आपका तो पूरा सिस्टम वहां पे कट गया, पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो प्लाई व्लाई जो भी कटिंग वटिंग था वो सारा कट गया है। अब तो आपको लगाना ही पड़ेगा, पेमेंट भी आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में आप बारीकी बारीकी से करवा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कुछ चेंज करना तो चेंज भी करवा सकते हो, तो यहां पे ऑल्टरेशन पॉसिबल होता है। अब बात करते हैं टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो किस टाइप को बनाने के लिए हमारे ज्यादा समय लगेगा। तो मॉड्यूलर किचन को मैं बताऊं तो ये मशीन से कटिंग हो रहा है आपके फैक्ट्री में, और ये फैक्ट्री में ऑलरेडी कटिंग होके वहीं पे हो रहा है। अगर आपके घर में जो काम हो रही है उसकी बात करें तो ये बस आपके घर में आके असेंबल हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ये रेडी हो जाता है बहुत आसान तरीके से, क्योंकि इसका आधा से ज्यादा काम तो फैक्ट्री में ही हो चुका है और पूरा पार्ट बाई पार्ट वहीं पर रेडी हो गया है और आपके घर में जस्ट आया और ये असेंबल हो गया। तो इसमें टाइम जाहिर सी बात है कि कम लगेगा। लेकिन कारपेंटर मेड वाला जो काम है ना, उसमें कारपेंटर आपके घर पे आएगा, बैठेगा, चाय पिएगा, उसको कटिंग करेगा, उसको लगाएगा, करते करते बहुत दिन ले जाएगा, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। अब बात करते हैं मेस की, तो देखिए जो मॉड्यूलर किचन होती है ना, उसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट जो पार्ट्स आपका फैक्ट्री में बना हुआ था उसको लाकर यहाँ पे असेंबल करना है। तो इससे आपके घर में ज्यादा गंदगी नहीं फैलेगी, ज्यादा भीड़ नहीं जमेगा, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा आदमी नहीं लगेगा उसको फिक्स करने के लिए, तो इससे आपका घर जो है ना वो थोड़ा साफ सुथरा दिखेगा। लेकिन वही बात करें कारपेंटर मेड किचन की, तो कारपेंटर मेड किचन वाला जो काम आपके घर में होगा ना, तो चारों तरफ ड्रिल का घूम घा घूम घूम ये सब आवाज होने वाला है, साथ में चारों तरफ डस्ट उड़ेगा जब प्लाई व्लाई कटने वाला है तो। लेकिन मॉड्यूलर किचन तो प्लाई कटने की बात ही नहीं है, वो तो पूरा वहां पे बन के आया है, यहां जस्ट असेंबल होना है। तो कारपेंटर मेड किचन वाले में आपका पूरा घर गंदा हो सकता है, वॉल में ब्रेकेज आ सकते हैं, फिर जाके हो गया क्रैक डेवलप हो सकता है, और भी बहुत कुछ, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इससे, और भी बहुत कुछ का मेस हो सकता है यहाँ पे। तो इस वजह से भी देखा जाए तो मॉड्यूलर किचन अभी के टाइम में बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं क्लीनिंग और मेंटेनेंस की, तो देख लीजिए नॉन मॉड्यूलर किचन जो है ना, इसको साफ करना बहुत आसान होता है और ये ना मूवेबल भी होता है। तो आपको कहीं पर कुछ साफ करना है तो उसको मूव कर दो, उसका जो काउंटर है उसको मूव कर दो, आप साफ कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद इसको साफ करना बहुत आसान होता है, मतलब कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूं। लेकिन जो कारपेंटर मेड वाला किचन होता है ना, उसका मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डिटेचेबल नहीं होता है, वो फिक्स्ड होता है, इस वजह से उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होता है। अगर वो खराब हो गया तो आपको ज्यादा कॉस्ट पड़ने वाला है वहां पे, उसका क्लीनिंग का भी जो झमेला है ना वो ज्यादा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो मेरा असेंबल्ड है, जो चीज गया उसको निकालो, अलग से लाके उसको लगवा सकते हो आप, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो मैं भी आपको बताया वो कम पड़ता है। अब अगर वैरायटी की हम लोग बात करें तो मॉड्यूलर किचन में आपको वाइड रेंजेस ऑफ वैरायटी मिल जाएंगी, जो आप सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ऐसा डिजाइन निकल के आ गया है अभी के टाइम में, ऐसा ऐसा वहां पे एस्थेटिक व्यू के साथ आपको देखने को मिल जाएगा कि आप बोलोगे भैया ये बनाया तो बनाया कैसे, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा स्प्रिंग सिस्टम वाला भी आता है ना कि आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर में कबर्ड है।
आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके आधे में एक अंदर आदमी घुस जाएगा। मतलब कोना कोना यूज कर लेते हैं ये लोग मॉड्यूलर किचन वाले में, और बहुत सुंदर लगता है। दीवार का दीवार क्या, एक एक पार्ट आप यूज करते हो और देखने में इतना फैमिलियर होता है, इतना आसान होता है और यूज करने में इतना आसानी होती है कि क्या बोलूं। तो अभी का ये ट्रेंड है और इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो मोस्ट ऑफ द लग्जरियस प्रोजेक्ट में, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इसको ही यूज किया जा रहा है। लेकिन वही बात करें हम लोग कारपेंटर मेड प्रोजेक्ट में, तो कंपैरेटिवली उसमें वैरायटी कम आती है, उसमें उतना ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलता जितना ज्यादा आपको मिलता है मॉड्यूलर किचन में। और उसका डिजाइन, उसका व्यू जो होता है वो सारा भी कंपैरेटिवली इसके ग्राफ में बहुत ज्यादा कम होता है। तो वैरायटी में आपको ज्यादा कौन प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलर किचन। तो अब बात करते हैं प्राइस की भैया, तो प्राइस किसका ज्यादा है, तो मॉड्यूलर किचन का जो प्राइस है ना वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आपको चीज मिलेगा अच्छा, आपको देखने को अच्छा मिलेगा। तो देखो यहां पे पूरी बात समझ लेना, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि किसमें ज्यादा अच्छा लगता है। जनरली देखा जाए तो मॉड्यूलर किचन का प्राइस आपका ज्यादा पड़ेगा। इसमें क्या होता है ना कि जब आप चीज को फाइनलाइज करोगे, जब अपने किचन के पूरे विजुअल को फाइनल करोगे कि हाँ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आपको ड्रॉइंग बनाकर दिखा दिया जाएगा कि ऐसा बनने वाला है, और आपका प्राइस जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा। आपका फाइनल में आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होगा, जो आपका फाइनल हो गया है वही आपको मिल जाएगा और पेमेंट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग कर देना है। लेकिन जब कारपेंटर मेड किचन की बात आती है तो इनिशियली वो लोग आपको कम बताएंगे कि कम में हो जाने वाला है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये लगेगा वो लगेगा, ऐसा हो सकता है, ये एक ऑप्शन है। और अल्टीमेटली जब लास्ट में आप देखोगे ना, तो आपका खर्चा क्या है कि जो इनिशियली आपको दिख रहा था वो नहीं रहा, बढ़ के कुछ और हो गया। ऐसा जनरली होता है घर में देखने को, ऐसा बहुत बार मैं भी देखा हूं होते हुए, तो ऐसा जनरल देखा जाता है। लेकिन कॉस्ट कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपका मॉड्यूलर किचन में खर्च ज्यादा पड़ता है, लेकिन इनिशियली जो आपको बता दिया जाएगा वही आपका पड़ेगा, बाद में आपका कोई ज्यादा नहीं लगने वाला है। लेकिन कारपेंटर मेड किचन में ये कोई फिक्स नहीं है, जो इनिशियली नहीं दिख रहा है वो फाइनल में कुछ और दिख सकता है, ऐसा हो सकता है। तो लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप जो किचन यूज करो उसमें फ्लेक्सिबल रहो, उसके बाद इजी टू यूज हो, वहां पे आपको स्मूथ फिनिश मिले, दिखने में बहुत अच्छा हो, तो आप मॉड्यूलर किचन के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई चीज बहुत लंबे समय तक चले, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल हो, तो आप जाइए कारपेंटर मेड किचन पे, क्योंकि उसमें जो बनेगा ना वो बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा, लेकिन आप वैरायटी वहां पे नहीं ला पाओगे। और बात करें यहाँ पे क्वालिटी की, मटेरियल क्वालिटी की, तो वो आप मॉड्यूलर वाले में भी खुद से अच्छे क्वालिटी के वुड प्लाई वगैरह ये सब खरीद के दे सकते हो, जिससे आपका जो किचन है वो ज्यादा समय तक ड्यूरेबल रहे, ये हो सकता है पॉसिबल। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज को कैसे लोगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके के बहुत सारे डिफरेंस बिटवीन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप जाके उनको भी देख के वहां से नॉलेज गैदर कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी बनाए हुए डिफरेंस बिटवीन पे मैं वीडियो बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में जरूर डाल दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।